आ, मैं मेरा नाम राकेश धनखड़ है मैं गांव मछगढ़ तहसील वल्लभगढ़ जिला फ़रीदाबाद हरियाणा से हूँ ये देखो गया की फसल स्प्रे वी एम स्प्रे हो रहा है हर पाँचवें दिन गजब का रिजल्ट है पहले एक नमक और फिटकरी का स्प्रे किया था मिट्टी का स्प्रे अब जादू दिखा रहा है ये देखो आप देखोगे तो और भसम रसायन भी बना लिया है वो भी चल रहा है फ़सल अच्छी चल रही है अब एक तो ये है कि इस पर मेरे को लो टर्नल लगाना था तो रही अभी अगैती में लगा रहे हैं तो क्या बिना लो टर्नल के हो सकता है जैसे आप बताते हैं मिट्टी का स्प्रे करते रहें या फिर कुछ धुआं हुआ वग़ैरह करके या कुछ सजेशन हो तो आपके पास ज़रूर देना या फिर लो टर्नल ही लगाएं बाकी लौकी अभी भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है बड़ी अच्छी शाइनिंग है मंडी में जाते ही बिकती है एकदम से और कुछ तोरे भी लगाई हुई है तोरे पे भी वाइसोनोमेटा और बसम रसायन का स्प्रे अल्टरनेट डेज पे पाँच 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 दिन पे चल रहा है और पूरे फरीदाबाद में तोहरे यहाँ के सिवा कहीं नहीं जा रही ये देखिए सारा लदा पड़ा है एक दिक्कत मेरे को आ रही थी कि नीचे इसके नीचे धूप तो पहुंच नहीं पा रही है तो इसके नीचे काही जमती है ये देखोगे आप यहाँ पर काही है काही का क्या सॉल्यूशन है इस बेड पे भी अगर चलाएंगे तो जैसे मैंने बीच में ड्रिप चला के इस पर मैंने फटकरी चलाई है तो यहाँ पर भी काही जमनी शुरू हो जाती है यहाँ पर ड्रिप चलती है लगातार दो तीन बार पानी लगेगा तो काही जम जाती है वैसे तो फटकरी चला दी है इस पर अब बेड पे चला दूँगा खुदाई कर दी है कल ट्रैक्टर जुताई वगैरह नहीं की है खुद हाथ से ही सारी खुदाई कर दी है इस पर सारे बेड़ों पे अब ये रेडी है इस पर क्या चलाना है एक तो आपने बताया था जो सरसों वाला और उपले वगैरह करके वो चलना है इस पर बेडों पे, पे भसम रसायन पूरे पे डाल दिया गया है और भट्टी खाद भट्टी खाद इन सब पे डाल दिया गया है पहले ही और फिर नराई कर दी गई है खेतों से उससे फावड़े से और कुछ डालना हो तो बताना भाई ये तोरई है तोरई पे वायसोनोमेटावीएम स्प्रे और भसम रसायन के बाद काफी मधुमक्खियां आ रही इस इसपे एकदम हाथ लगाते ही काफी मक्खियां निकलती हैं